4/4/2019 को इसने बोला भाई बी अपना बीआर ले लो, आपका बीआर किसी काम का नहीं, आप तो पैसे दोगे नहीं, तो ये ले जाओ अपना बीआर वापस। ये डिसऑनर्ड की एंट्री है। कहेगा अच्छा 4/4/2019 को मेरे पास बीपी आ गया मेरी गलती की वजह से, और ए ए से आया है 12,000 का। अब बी ने रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट करके एक और बिल बनाया, कितने महीने के लिए, 2 महीने के। तो 4/4 से देखा जाए तो क्या आएगा, 7/6 को पेमेंट मिलेगा, लेकिन 4/4 को ये कहेगा अब मैं बी से एक और बीआर लूंगा, और बीआर अब मैं कितना लूंगा, 12,200 रुपए का बीआर लूंगा। क्यों 12,200? इंटरेस्ट जोड़ के लेगा, और मुझे बी से लेने थे सिर्फ 12,000, और मेरा हो गया फायदा, और फायदे का नाम इंटरेस्ट, उसको लिखा इसने 200। इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, बीआर के अंदर इंक्लूड करके, मेरे इस वाले एग्जांपल में है बीआर में ही इंटरेस्ट जोड़ के इसने फ्रेश बीआर दिया, ठीक है ना। देखो मैंने लिखा बीआर प्लस इंटरेस्ट, इसके लिए मैं एग्जांपल करा रहा हूं, ठीक है। अब ये कहेगा 4/4 को, बोलेगा अच्छा अब मैं भी इसको ए को दे देता हूं बीपी, ए को लेकिन देने तो 12,000 थे, इंटरेस्ट भी तो दूंगा मैं, और उसको न्यू बीपी दे दिया मैंने 12,200 का, ठीक है। ऑन द मैच्योरिटी डेट, अब मैच्योरिटी डेट क्या आएगा, 7/6/2019, ये क्या कहेगा मैच्योरिटी डेट पे बताओ, मेरे पास बैंक में पैसा आ गया और मेरा बीआर चला गया कितने रुपए का, 12,200 रुपए। अब यही कहेगा 7/6 को, मेरे पास बीपी आ गया और मेरे बैंक से पेमेंट चला गया 12,200। अभी देखो दो केसेस करें हमने, एक ये जहां इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, और एक यहां जहां इंटरेस्ट। अब ऐसा भी हो सकता है वो बोले बिल और इंटरेस्ट कुछ पैसा कैश ले ले, ऐसा भी हो सकता है बिल और इंटरेस्ट कुछ पैसा कैश। अभी समझाता हूं, देखो इसका मतलब क्या, मैंने बोला भाई 12,000 देने हैं, उसने बोला कि एक काम करो 2,000 रुपए रखो और बाकी का आप ब्याज ले लो और मेरे से बाकी का बीआर ले लो, यानी मान लो 200 रुपए का ब्याज है तो 10,200 का बीआर आएगा और 2,000 कैश आ जाएगा, वो यहां वाले एग्जांपल में देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है वो बोले कि भाई एक काम करो 2,000 रुपए नगद और जो ब्याज बनता है वो आज ही ले लो आप, बाकी का मैं क्या कर रहा हूँ बीआर दे रहा हूँ। या ऐसा भी हो सकता है बोलता है जो ब्याज बनता है ना ये ले लो आप, टेंशन क्यों ले, तो ब्याज का पैसा लाइक तो है मेरे पास लो और बाकी का क्या ले लो आप बीआर, हो सकता है। तो बाकी के अभी देखो 1, 2, 3 केस मैंने रखे हैं जिसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर होंगे, तो अभी मैंने दो केसेस किए हैं, इसको नोट करिए फर्स्ट केस और सेकंड केस, ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना, हम ये वाला पार्ट करेंगे। अब पहले हम एक बार एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं फिर से हम ए और बी, एक ए है और एक बी है। अब अगेन ए ने क्या करा, इसको 12,000 रुपए का सामान बेच दिया, और बेचा कब गया, 1/1/2019 में, और अगेन इसने कुछ टाइम मांगा और जो टाइम मांगा इसने वो था 3 मंथ का। इसका मतलब जो पेमेंट रिसीव होने का डेट था वो डेट था, ड्यू डेट आपका है यहां पे, ड्यू डेट है 4/4, लेकिन जैसे ही ड्यू डेट आया बी ने पैसे देने से मना कर दिया कि मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, डिसऑनर्ड हो गया। अब ए बोलता है भाई क्यों नहीं दोगे पैसे, बी ने बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है मैं दे दूंगा बी, अब बी बोलता है मैं दे दूंगा बाद में दे दूंगा अभी तो पैसे है नहीं, ए बोलता है भाई अब तुम मुझे बाद में दोगे, कितने दिन बाद दोगे, बोला ज्यादा नहीं मुझे बस 1 महीने का टाइम दो मैं आपके पैसे 100% रिटर्न कर दूंगा। उसने बोला 1 महीने भी तो मेरा नुकसान हो गया, उसने बोला चिंता मत करो मैं ब्याज दूंगा, या फिर ऐसा आपको जल्दी पैसे लेने हैं तो एक काम करो आप मेरे से अभी के अभी अभी कैश ले जाओ आप, और 2,000 ही लेना बस कैश, बाकी कितने देने हैं बताओ। मैंने बोला बाकी बच गए 10,000, बाकी कितने देने हैं, बाकी बच गए 10,000। बोला अब इस 10,000 का 1 मंथ का टाइम दे दो, 1 मंथ का टाइम दे दो आप बस मुझे, मैं दे दूंगा। बोला 1 महीने का दे तो दूं लेकिन मेरा फायदा क्या होगा, बोला कोई बात नहीं आपको मैं एक काम करता हूं 12% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दूंगा इस पे। किस पे देगा 12% के हिसाब से इंटरेस्ट, जो हमारा 10,000 का था उस पे 12% के हिसाब से क्या करेगा वो इंटरेस्ट
दे देगा। यहां तक समझ में आया? तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, व्हेन फ्रेश बिल प्लस में इंटरेस्ट, क्या बिल और प्लस में इंटरेस्ट होगा और कैश भी होगा, तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आगे करूंगा इसको, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट करके फटाफट बता दो। इंटरेस्ट निकालेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड 12 बाय इंटू में 1 बाय, क्या आ गया 100 रुपए, ठीक है। अब सामान बेचना खरीदना खत्म। अब मैं बी आर से एंट्री करूंगा सीधा, ठीक है। ये मैं ए के लिए कर रहा हूं, बी आर से डायरेक्ट बी आर से एंट्री। बेचने खरीदने का एंट्री तो आपको आता ही है। इसने एक एक को कहा कि मेरे पास बी आर आया और टू किससे आया, बी से आया, और कितने रुपए का आया भाई? पहले तो 12 का आया था, 10 वाला तो बाद का चक्कर है। 1/1/2019 में अगेन ये कहेगा मैंने ए को दिया, क्या दिया मैंने, बिल्स पेबल दे दिया, कितने का दे दिया, 12,000 रुपए का। लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी डेट आया, कब आया मैच्योरिटी डेट, 4/4/19, भाई इसका बी आर वापस करो, किसी काम का नहीं। बी टू बी आर, क्या ये एंट्री आपको समझ में आता है इसका मतलब क्या है? हमने उसका बी आर क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब सेम 4/4 को ये क्या कहेगा, मेरे पास बीपी आ गया और टू, मेरे पास ए से बीपी आ गया 12,000। चलिए अब इसने क्या बोला, एक काम करो 2,000 ले लो नगद। मैंने बोला चलो लेके आओ आप 2,000 तो दो। ये कहेगा मेरे पास कैश आ गया और टू बी से आ गया, कितने, 2,000 रुपए आ गए। अब ये सेम डेट पे कहेगा मुझे देना पड़ गया ए को, मुझे देना पड़ गया कैश 2,000 रुपए। अब बोलते हैं चलो अब कैश का लेन देन हो गया, बी आर का लेन देन करते हैं। बी आर लाओ नए वाला, 4/4/2019 को ही इसके पास एक बी आर आया और बी आर जो आया वो आया 10,100 और मुझे बी से तो पैसे सिर्फ 10,000 ही लेने थे, तो बाकी क्या है, बाकी इंटरेस्ट है 100 रुपए। ये कहेगा 4/4 को अब मैंने नया बीपी दे दिया, उसको बीपी दे दिया 10,000, सॉरी हमने बी को ए को देने थे कितने, 10,000 रुपए देने थे, लेकिन इंटरेस्ट के पैसे मैंने दिए 100 रुपए और न्यू बीपी दे दिया मैंने कितने का, 10,100 रुपए का। क्या ये एंट्री में बताओ कोई डाउट, इस एंट्री में बताओ कोई डाउट, समझ में आ रहा है यहां तक? इसके बाद क्या होगा, मैच्योरिटी पे पेमेंट कितने टाइम मांगा, 1 महीने, तो कितना आएगा 7/5। 7/5 को क्या हुआ, 7/5 को बैंक में पैसे आ गए और टू इसके पास से बीआर चला गया, कितने पैसे आए होंगे, 10,000, क्लियर। और ये 7/5 को करेगा कि मेरे पास बीपी आ गया और टू बैंक से पैसे निकल गए और कितने पैसे निकल गए, 10,000। कोई डाउट यहां तक? ये था ये कॉन्सेप्ट। देखो तीन कॉन्सेप्ट हो गए, अब दो ही बचे हैं बस, अगले वाला देखते हैं। मान लेते हैं अब एक्स वाई मानते हैं, ठीक है, एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में एक डील हुआ, कितने का डील हुआ, 12,000 का, किस डेट पे, 1/1/2019 में। इसने टाइम मांगा भाई, टाइम, टाइम कितना, 3 महीने का। ड्यू डेट 4/4/2019, लेकिन ड्यू डेट पे वाई बोलता है मैं अब पैसे नहीं दूंगा, अभी मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं कहां से दूं, लेकिन एक काम कर सकता हूं थोड़े पैसे दे देता हूं। एक्स ने बोला थोड़े कितने दोगे, इसने बोला अभी थोड़े पैसे, मतलब मैं आपको नगद दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, चिंता मत करो आपको कैश दूंगा 2,000 रुपए, बाकी का बीआर ले लो। एक्स बोलता है अब इंटरेस्ट का क्या बीआर बनाओगे, 100 रुपए का तो ब्याज ही है, इंटरेस्ट का क्या बीआर बनाओगे, 100 का तो ब्याज है, वो भी दे दो लगे हाथ। तो बोला चलो ये लो इंटरेस्ट भी ले लो 100, यानी आपको 2100 रुपए दे रहा हूं मैं। अब बताओ फ्रेश बीआर कितने का बनेगा, 10,000 का ही बनेगा हमारा फ्रेश बीआर, समझ में आया? इस वाले में क्या था, बीआर बना था विद इंटरेस्ट, यहां बना है बीआर किसके साथ, विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन कैश में इंटरेस्ट प्लस है, ठीक है। अब देखते हैं एंट्री, एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे मेरे पास बीआर आया, डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, और टू किससे आया, वाई से आया, कितने रुपए का बीआर, पुराना तो 12,000 का चल रहा है, और ये कहेगा मैंने
बीपी दे दिया एक्स टू बीपी कितने का 12,000 का, कोई दिक्कत? एक एक एंट्री। इसके बाद क्या होगा, एक एक को ही बोलेगा, नहीं अब तो डिसऑनर्ड करेंगे, चार चार को बोलेगा भाई अपना बीआर वापस ले लो, वाई अपना बीआर लो, ये बीआर मेरे किसी काम का नहीं है, आप पेमेंट देने से मना कर रहे हो। और चार चार को ये कहेगा मेरे पास बीपी आ गया और किससे आया, एक्स से आ गया 12,000 रुपए का। अब इसके बाद इससे कुछ पैसे आएंगे, चार चार को ही पैसे रिसीव करेगा, बोलेगा कैश मेरे पास आया अब 2100 और बी से जो पैसा मिला वो 2000 बी के नाम का और इंटरेस्ट के नाम का 100 रुपए। ये कहेगा मैंने पैसे दे दिए, मैंने ए को पैसे दिए कितने दिए 2000 और ब्याज के भी पैसे दिए 100 रुपए और टू मेरे कैश में से कम हो गया 2100 रुपए। क्या बात खत्म हो गई या फिर बीआर का भी रहता है? अब बीआर का भी रहता है पॉइंट। चार चार को ये कहेगा एक बीआर मेरे पास आया और मुझे बी ने दिया कितने का दिया 10,000 का, किसने, हाँ वाई, चलो वाई लिख देते हैं, कहीं कहीं मैंने ठीक है, अब 10,000 का। अब ये चार चार को ही कहेगा मैंने एक्स को बीपी दे दिया, वो ए बी एक्स वाई करते करते नाम कॉमन हो गया, अब बदल दूंगा इनका नाम। अब ड्यू डेट यानी 7/5, ड्यू डेट के लिए मोहलत तो मैंने बताया ही नहीं, जो मोहलत मांगा है इसने एक्स्ट्रा एक महीने का मान लेते हैं, सेम रखते हैं। 7/5 को बोलेगा मेरे बैंक में पेमेंट आ गया और 10,000 का पेमेंट आ गया और टू मेरे पास से बीआर चला गया। अब तो मुझे भी एंट्री याद हो गया, ये आप लोगों को भी एंट्री याद हो जाना चाहिए अब तक तो, कि है कुछ नहीं बस आपको बीआर और बीपी और ये आ गया 10,000, ये लो हमारा हो गया, ये वाला केस भी खत्म। थर्ड केस की चर्चा करते हैं एक बार फिर, नोटिंग करना। थर्ड केस में क्या बोलता है कि बिल दूंगा और इंटरेस्ट कैश में दूंगा, मतलब एक काम करो, जैसे यही वाला क्वेश्चन होता वो बोलता भाई ब्याज ले लो और बिल ले लो, तो ब्याज ले लो तो सिर्फ हमें कितना देता 100 रुपए कैश में, तो ये एंट्री जो मैं करता सारा सेम होता, यहाँ पे कैश टू इंटरेस्ट करता ओनली 100 रुपए, और ये भी एंट्री करता आपका एक्स टू इंटरेस्ट आपका कितना, सॉरी इंटरेस्ट टू कैश कितने 100 रुपए, बाकी बोलता बी आर ले लो जो था, तो बी आर कितने का देता पूरे 12,000 का, जो फ्रेश बी आर ड्रॉ होता कितने का होता, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि देखो इस वाले लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को मैंने क्या रखा है, लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में रखा है कि भाई जो भी बच गया उसका एक काम करो, इंटरेस्ट का नगद लेन देन कर लेते हैं और बीआर को वैसे ही रहने दो, नया बीआर ले लो, एक महीने का टाइम ले लेंगे, ठीक है? तो ये वाला केस कौन सा था हमारा, थर्ड, और ये वाला केस है हमारा फोर्थ। फिफ्थ का बस मैं इसी में चेंजेस करके दिखा दूंगा, पहले आप इसको फटाफट नोट करिए। अगला कॉन्सेप्ट देखना आप, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहां पे बस बात क्या आया, एक्स ने वाई को सामान 12,000 का बेचा था और ड्यू डेट पे वाई देने से मना कर रहा है, तो बिल हो गया डिसऑनर्ड ड्यू डेट पे। जैसे ही डिसऑनर्ड हुआ उसके बाद वाई बोलता है मैं आपको ब्याज दूंगा, तो ब्याज कितना देने को तैयार है, ये 100 रुपए मैंने कैलकुलेट कर रखा है 100 रुपए, लेकिन बोलता है ये 100 रुपए एक काम करो आप ले लो कैश, बाकी का बीआर ले लो। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 4/4/2019 पे ही मेरे पास इंटरेस्ट का पैसा आया, सॉरी कैश आ गया मेरे पास और किस चीज का इंटरेस्ट 100 रुपए, और ये क्या कहेगा 4/4 को कि मेरे पास इंटरेस्ट का पैसा चला गया किसमें, अब बताओ फ्रेश बीआर बनेगा ही नहीं बनेगा, एक बनेगा, कितने का बनेगा पूरे 12,000 का। अब चार चार को ये क्या कहेगा मेरे पास बी आर आ गया और टू बी से वाई से 12,000 का। इसके बाद चार चार को ही क्या हुआ, इसने ए को दे एक्स को दे दिया बीपी 12,000 का, समझ में आया यहां तक? अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही बी आर बीपी हो गया यहां पे एंट्री करेंगे, यहां पे बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक में पैसा आ गया किस चीज का आया भाई
बीआर का आया। कितने रुपए आए? 12,000। कब? 7/5। अब ये भी सेम एंट्री करेगा 7/5 को। समझ में आया? ये कौन से वाला केस था? हमारा फिफ्थ केस था। ठीक है, अब आपके बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। आपके बुक का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखो रिन्यूअल का। चलिए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन है बिल ऑफ एक्सचेंज का। अमर सेल गुड्स टू भोला ₹10,000 एंड ड्रॉ अपॉन हिम अ बिल ऑफ अमाउंट पेबल 3 मंथ आफ्टर द बिल एक्सेप्टेड बाय भोला अमर डिस्काउंटिंग विद द बैंकर 150 इंक्लूसिव। आपका 150 का इसने डिस्काउंट करवा लिया। तो एक अमर है, एक भोला है। एक अमर है, एक भोला। इसको बी से ए और बी हो गया। ये लो, पहले वाला एग्जाम्पल हो गया। अब हुआ क्या, इसने इसको सामान बेचा। कितने रुपए का सामान सोल्ड किया? 10,000 का। किस डेट पे बेचा? एक डेट नहीं दिया गया क्वेश्चन में, नहीं दिया। चलो नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब डेट नहीं दिया तो हम इसको मान लेते हैं। माने क्या, बस बिना डेट का ही करेंगे अब हम इसे। अब कितने मंथ के लिए? 2 मंथ। 2 मंथ पे इसका मेच्योरिटी होना था, लेकिन अमर ने चालाकी दिखाई और अमर ने इस बिल को लेके चला गया किसके पास, और बैंक से बोला मुझे पैसे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। और उसने, बैंक वालों ने बोला ठीक है हम आपको देंगे, लेकिन कुछ पैसे काट के। कितने काट लिए? 150। यानी इसने रिसीव किया होगा 9,850 रुपीज। चलो ठीक है, अमर सोच रहा है मुझे पैसा मिल जाएगा, भोला सोच रहा है मैं दे दूंगा। लेकिन जैसे ही 2 मंथ आया, 2 मंथ के टाइम पे भोला फेल टू पे मीट दिस बिल मैच्योरिटी। भोला बोलता है मैं पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। अमर पे ऑफ हिज बैंकर हिज एक्सपेंस अमाउंट ₹100 और कुछ खर्चे अमर को पेमेंट करने पड़ गए बैंकर को, जो कि नोटिंग चार्ज मान लेते हैं। जिसको क्या मान लेते हैं, यानी बिल डिसऑनर्ड होते ही बैंक वालों ने क्या करा होगा, अमर को पकड़ लिया होगा कि भाई तुमसे बिल लिया था ये, वो दे नहीं रहा भोला, अब तुम दो। तो बैंक वालों ने उसके सारे बीआर से पैसे भी काटे और ₹100 एक्स्ट्रा चार्ज, जो कि नोटिंग चार्ज मान लेते हैं। भोला बोलता है ठीक है चलो एक फ्रेश बिल देता हूं 2 महीने का, और मोहलत दो 10,250। जबकि 10,100 ही लेना चाहिए था इसको इससे, लेकिन ये 10,250 ले रहा। तो ₹150 क्या होगा यहाँ पे, ब्याज का होगा। चलिए एंट्री देखते हैं। यहाँ पे एंट्री अमर में के बुक्स में भी और भोला के बुक्स में भी एंट्री करेगा, ये कहेगा बी टू सेल्स। डेट नहीं है तो कोई चिंता नहीं करना, आपको एक और दो एंट्री नंबर डाल देंगे, एक नंबर। और ये क्या कहेगा, ये कहेगा परचेज, परचेज टू ए, अमर से खरीदा मैंने। कितने का खरीदा इसने? 10,000 का। इस एंट्री में कोई डाउट है क्या? अब कुछ बच्चे डेट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, डेट नहीं है कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4 सीरियल नंबर डाल सकते हो आप। इसके बाद इसके पास बी आर आएगा दूसरे नंबर पे। बी आर किससे आ गया भाई? बी आर बी से आ गया बी आर। अब दूसरे नंबर पे ये भी बीपी दे देगा, कहेगा ए आपको बीपी दिया जा रहा है। चलो 10,000 का बीपी आ गया। कई बार ना अकाउंट और डेबिट मैं लिख नहीं रहा, तो है ऐसा नहीं कि एज अकाउंट नहीं लिखना, 20 बिल्स पेबल लिखना है आपने, वो तो मेरे पास, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं आपको कि कम समय में ज्यादा समझ में आए। थर्ड एंट्री, ये चला जाएगा बैंक के पास, बोलेगा बैंक बैंक मुझे पैसे दो ₹9,850 और मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, और डिस्काउंट ₹150 का। और इसके पास से बीआर चला गया। अब बीआर अमर के पास नहीं है, किसके पास है? अब बताओ बीआर किसके पास है? बैंकर के पास है। ठीक है, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है। मैच्योरिटी डेट आया, बैंक वाला इसके पास आया और बोलता है ये लो भाई अपना बीआर लो, और नोटिंग चार्ज भी लो, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। ऑल दो बोलता है बीआर 10,000 का वापस लो, ₹100 नोटिंग चार्ज, और आपका अकाउंट अब कम करने जा रहा हूं मैं। कितने से? 10,100। अब भाई ए के पास बीआर आया, ये ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा भाई मेरे किस काम का बीआर, अब मैं वापस करने जा रहा हूं बीआर। मैं बोलूंगा बी अपना बीआर लो, और नोटिंग चार्ज भी मैं आपसे वसूल लूंगा, और 10,100 रुपए लाओ। कैसे? 10,000 बीआर वाले
और 100 रुपये नोटिंग चार्ज के। अब भाई ये तीसरे नंबर पे बोलेगा मेरा बीपी आ गया, नोटिंग चार्ज आ गया और 2A से सारा डील हो गया, ये 10,000 100 रुपये और 10,100। उसके बाद बी बोलता है चिंता मत करो मैं आपको फ्रेश बीआर देता हूं, और इसने कहा ए आपको देने कितने हैं 10,100, आप लो मेरे से नया बीपी 10,250 का। अच्छा इसका मतलब इंटरेस्ट है यहाँ पे 150। अब ये क्या करेगा एंट्री, बोलेगा मेरे पास बीआर आया 10,250 का, लेकिन बी से तो मैंने मांगे थे 10,100, उसने बिना बोले इंटरेस्ट दे दिए 150। अब लास्ट डेट पे क्या होने वाला है बताओ, मैच्योरिटी 2 महीने बाद, मैच्योरिटी की एंट्री क्या करेगा ये, बोलेगा मेरे बैंक में पैसा आ गया और मेरे पास से बीआर चला गया 10। क्या समझ में आया ये एंट्री? अब ये क्या कहेगा मैच्योरिटी डेट पे कि मेरे पास बिल्स पेबल आ गया 2, मेरे पास बैंक से पेमेंट चला गया कितने रुपए 10,250 रुपए। तो देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में डिसऑनर्ड के साथ रिन्यूअल हुआ है, ठीक है समझ में आ गया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपके बुक का 33। चलिए आप फटाफट नोट करिए।